क्या हो गया भाई, ऐसे गाड़ी में आके क्यों बैठ गए आप? अपना तारुफ बाद में करवाऊं, पहले आपका तारुफ करवा दूं। नाम अजीमुल्ला वली करीमुल्ला, उम्र 50 साल, एक छोटी गारमेंट्स फैक्ट्री चलाते हैं, लेकिन ख्वाहिशात बहुत बड़ी हैं। एक बेटी है जो घर में है और कुछ। ठीक है, तो मतलब क्या करूं मैं? पुलिस में कहीं ऊपर फोन करूं क्या? हम क्या सर्कस वाले दिख रहे हैं? नहीं, लेकिन क्या करना है सर? करना क्या है, लेके जाना है, गाड़ी लगाओ पीछे। लेके जाना है? लैला कहाँ है? कौन लैला? अच्छा सही, खुदा हाफिज़। बाबा, वो लैला को हमें घर ड्रॉप करना है। हाय अल्लाह, ये तो छत कटी गाड़ी है। You mean convertible? हाँ भाई, जरा थक गई हूँ ना, काम बहुत कर लिया है और खाना भी नहीं खाया हुआ। तुमने खाया खाना? नहीं बाबा, मैंने भी नहीं खाया। ओह, चलो फिर। कम। आ जाओ। वैसे थोड़ी देर में डिनर का टाइम हो जाएगा, तो डिनर ही करते हैं। चलो, मैं तो चाइनीज खाऊंगी, तुम क्या खाओगी? मैं कुछ भी खा लूंगी। तुमने आगे आना? नहीं, मैं ठीक हूँ यहाँ। श्योर हो? यस। ये लगता कहाँ है? ये बताओ ना। साइड पे यहाँ। चलें? जी बाबा, चलो। अच्छा, इसकी जो छत ही नहीं है, तो वो जो एसी है वो हवा? नहीं, वो छत होती है, यहाँ से खोलो तो बंद हो जाती है। इस बटन से खुलती बंद होती है? हाँ। ओए ओए, हम बोलो चुप क्यों हो गए? फिर ब्लॉक कर दिया मैंने उसे। ब्लॉक कर दिया कि हलाक कर दिया? क्या बात कर रहे हैं यार इंस्पेक्टर साहब आप, मतलब ऐसे ही थोड़े से मैसेजेस एक्सचेंज हुए हैं, छोटी सी बात है, इस पे कोई किसी को अगवा या हलाक थोड़ी करता है। बात तो छोटी सी थी, बड़ी वाली बताओ फिर। बड़ी बात? ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब सच पूछे तो मेरा उसके बाद रब्ता ही नहीं हुआ है उससे, और मैं खुद नहीं चाहता था कि मैं उससे ताल्लुक़ रखूं, बिकॉज मुझे ये जैसी थी ना लैला, ये लड़कियां मुझे पसंद नहीं है, थोड़ी आज़ाद ख्याल थी वो। तो मैंने तो अपनी बेटी सबा को भी यही बोला कि कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है मिलने जुलने की, अवॉइड करो उसको। बेटी को मना कर दिया और ख़ुद मिलते रहे होटलों के कमरों में। क्या बात कर रहे हैं? ना 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 ना, मुकरना नहीं। पता क्या, मेरा भी टाइम ज़ाया होगा, तुम्हारा भी टाइम ज़ाया होगा। हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है जिसमें तुम्हें और लैला को कमरे में आते जाते देखा जा सकता है। बिस्किट? हाँ, नहीं। कहाँ है फुटेज? कौन है भाई? ये मैं हूँ। साथ कौन है? लैला। कौन सी लैला? वो जिसे एक दफ़ा मिले थे, वो जिसका नंबर ब्लॉक कर दिया था, वो लैला? क्या पूछ रहा हूँ भाई, मैंने झूठ बोला था, जानबूझ के छुपाया था, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, बेजरर सी 2-4 मुलाकातें हैं और कुछ भी नहीं है। मैं नहीं चाह रहा था ये खामखा गले पड़ जाए सब कुछ, इसलिए मैंने आपसे छुपाया है। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ ना, मैंने अगवा किया है ना हलाक किया, मैं तो जानता ही नहीं हूँ ये कहाँ चली गई है। आखिरी दफा कब मिले थे? ये आखिरी मुलाकात थी हमारी, इसके बाद नहीं मिला हूँ। असल में इस मुलाकात में हमारी थोड़ी सी तलखी हो गई, तो मैंने ब्लॉक कर दिया उसे। कैसी तलखी? हो जाती है, दो लोगों के दरमियान जो तलखियाँ वो हो गई थी बस, तो फिर ब्लॉक कर दिया, मैंने नहीं बात की उससे। मारो भाई। इंस्पेक्टर साहब बात सुनिए मेरी, मैं एक इज्जतदार आदमी हूँ। हंस क्यों रही हो? शादी कहाँ से बीच में आ गई? नहीं ऐसे कब तक छुप छुप के मिलते रहेंगे, शादी तो करनी है। मेरी मंगनी हो गई है, मंगेतर है मेरा। नहीं तो ये बात मुझसे दोस्ती बढ़ाने से पहले याद नहीं आई तुम्हें? चले भूल जाएं, मेरी मंगनी हुई है, मंगेतर है मेरा, पर फर्क तो देखे ना। कैसा फर्क? उम्र का फर्क। मेरे बाप की उम्र के हैं आप, आपकी बेटी मेरी दोस्त है। तो ये सब पहले याद नहीं आया जब मेरे साथ घूमती फिरती रही हो, खाने खाती रही हो, होटलों के कमरे में आती रही हो, तब याद नहीं आया ये सब? रही ना वही छोटी सोच, जरा सा हंस के बात क्या कर ली, घूम फिर क्या लिए गाड़ी में, जरा सा फन क्या कर लिया। आपने तो शादी के सपने ही सजाने शुरू कर दिए। आप जैसे 20 आगे पीछे मेरे घूमते हैं, सबसे शादी कर लूं? बेवकूफ बनाती रही हो तुम मुझे। मैंने आपको बेवकूफ नहीं बनाया, आप जैसे अधीर उम्र के आदमी ना मुझ जैसी जवान लड़की को देख के खुद ब खुद बेवकूफ बन जाते हैं। अब मैं जा रही हूँ अपने मंगेतर के पास, मुझे फोन ना करना। शादी होने लगी है मेरी, तो ड्रामा नहीं चाहिए मुझे कोई, समझ आई है?